हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रेंज। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, डोमेन। तो रेंज को मैंने जब स्टार्ट ऑफ अपना जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था कैलकुलस में फंक्शन, तो हमने रेंज का एक बेसिक डेफिनेशन देखा था। मैंने बोला था कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे रेंज, तो वो वक्त अब आ गया डिटेल पढ़ने का। ठीक है, तो अगेन एक बार मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ फॉर्मली जो हमने उधर देखा था। क्या था रेंज? कि जैसे जो एक्स होता है हमारा, वो क्या होता है, डोमेन होता है, उसकी वैल्यूज हमने फंक्शन में रखी, वाई में रखी, और फिर हमें जो वाई मिलेगा उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट, रेंज। तो क्या लिखूं मैं, रेंज इज अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ y। देखो, वैसे मुझे y नहीं लिखना चाहिए कायदे से, बट मैं y इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज हम जनरली y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या आना चाहिए, इट शुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इधर ब्रैकेट में लिख लो डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्चुअल मीनिंग हम देखेंगे जब हम फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लिख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखा मैंने कि रेंज इज सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वाई, विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का कंप्लीट सेट इज नथिंग बट अ रेंज। तो अभी जैसे मैंने बोला मुझे वाई नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए वो देख लेते हैं हम। देखो, मैंने वाई बोला क्यों, क्योंकि हम जनरली ऐसे लिखते हैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। लेट से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू इसमें रखूंगा अलग अलग और y मुझे मिलते रहेंगे, उन y का कंप्लीट सेट इज रेंज। बट ऐसा भी हो सकता है मैंने z बोला और z एज अ फंक्शन ऑफ t, ऐसे लिखा t स्क्वायर प्लस t। तो इधर अब मैं y बोलूंगा तो गलत हो जाएगा ना, तो इट शुड बी z। बट मैंने y, जैसे कि तुम्हें बोला कि क्यों मैं लिख रहा हूं, बिकॉज हम जनरली y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। सो एक्चुअल डेफिनेशन में क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। हियर y इज डिपेंडेंट, हियर z इज डिपेंडेंट। तो इन डिपेंडेंट वेरिएबल का कंप्लीट सेट is nothing but a range। समझ में आया? ठीक है, अब हम देख लेते हैं ranges of some commonly used functions। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। अब पहले मैं लिख रहा हूं वाले functions जिनका range all real values है, पूरा complete R है। तो वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग लिखो। तो मैं, जैसे हमने जो भी बेसिक फंक्शंस पढ़े अभी तक, ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक्सपोनेंशियल वगैरह, जो भी जितने ही पढ़े, उसमें यू जस्ट राइट डाउन द फंक्शंस जिनका रेंज R है, मैं लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मेरा आता है ln x, ठीक है, उसके बाद मेरा log x टू द बेस a, अब बेस कुछ भी हो, इधर e था, इधर ln x टू द बेस a। अच्छा, उसके बाद मेरा जो बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, द रेंज इज r इज tan x एंड cot x। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कोई भी odd डिग्री पॉलिनियमल, जो भी कोई भी odd डिग्री पॉलिनियमल होगा उसका रेंज r होगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं odd डिग्री पॉलिनोमियल। मैंने पहले बताया पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, x की पावर इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे मैंने लिखा x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x, दिस इज अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री क्यों बोला, बिकॉज इसकी डिग्री 5 है, जो हाईएस्ट पावर होता है x का उसको डिग्री बोलते हैं। अगर वो ऑड है तो उस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा r होगा, ये हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने और लिख लेता हूं, मेरा ये हो गया प्लस, जैसे हमारा एक और फंक्शन है क्यूब रूट ऑफ एक्स वगैरह, तो उसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ x की पावर 1 अपॉन 2m प्लस 1। ठीक है ना, जैसे हमने देखा था पहले क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ इस टाइप से होता है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, उन सब का रेंज भी r होगा। ठीक है, इसमें इतना काफी है, चलो इतना काफी है। अब मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ, ठीक ना, मैंने बोला ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसका रेंज तो क्या होगा, r होगा। बट इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा ना उसका रेंज कभी भी r नहीं होगा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या लिखा मैंने, इवन डिग्री पॉलिनोमियल विल नेवर हैव रेंज एज r। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, कि मैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का तो रेंज आर होता है, बट इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कभी भी आर नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, छोटा सा समझ लेते हैं इसका। तुम लोग इस वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, जो भी मैंने अभी लिखा। देखना, मैंने क्या बोला कि पहले ऑड का समझ लेते हैं कि रेंज आर क्यों होता है। तो जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लेट से 1, दिस इज माय ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 3, तो 3 इज ऑड नंबर।
तो देखो क्या होगा कि देखो हमें ये पता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है डिफाइन नाउ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैंने एक्स को बढ़ाते जाऊंगा तो इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, जब एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मतलब इधर से कहीं से हमारा इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है कहीं तो। और व्हेन यू विल पुट माइनस इन्फिनिटी, तो देखो माइनस इन्फिनिटी पे ये डोमिनेटिंग होगा, जब हम पावर बड़ी होती है तो माइनस इन्फिनिटी पे ये टर्म डोमिनेटिंग होगा, तो इसके कारण ओवरऑल टर्म क्या होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी तरफ, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो इट विल कवर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ वाई, दैट इज रेंजेस आर। अब देखो इवन में क्या दिक्कत होगी, इवन में देखना मैं इधर ही बना देता हूँ स्क्रब करके, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, लेट्स से सिंपली क्वाड्रेटिक ले लिया, दिस इज इवन डिग्री पॉलीनोमियल डिग्री टू है, देखो प्लस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी होगा, अब कहीं ना कहीं जाके ना ये कर्व नीचे मुड़ेगा, क्यों मुड़ेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या हो रहा है ये चीज प्लस इन्फिनिटी हो रही है, तो इधर माइनस इन्फिनिटी पे भी हमारा वाई माइनस प्लस इन्फिनिटी है, तो इधर से आके इस कर्व को ज्वाइन करना है नीचे आके, तो कहीं ना कहीं तो मुड़ेगा, जैसे ही मुड़ा तो इतना मेरा रेंज हो गया, तो पूरा वाई एक्सिस तो कवर नहीं करेगा ना, इसलिए बोला कि इवन डिग्री पॉलीनोमियल की रेंज कभी भी आर नहीं होगी और ऑड की हमेशा आर होगी, इसको दिमाग में बिठा लो, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम और फंक्शंस देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं बट एक जगह हमारा एक साथ लिखा हो जाएगा जिनके रेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में देखना, मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंजेस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके रेंज, ये ऑलरेडी हमने टेबल में देखा था, उसमें तो डोमेन पीरियड वगैरह सब कुछ देखा था, इधर केवल मैं रेंज लिख रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, इसका रेंज क्या होता है क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। फिर आता है हमारा टेन एक्स कॉट एक्स, तो मैं भी लिखना है ये सारा, ठीक है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है बट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। टेन एक्स कॉट एक्स, इसका रेंज क्या होता है ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि टेन एक्स का ग्राफ याद है एकदम टेस्ट पे बोला था मैंने रखने को, ये होता है यही रिपीट करता है, सिमिलरली कॉट एक्स कैसे होता है। फिर हमारा आता है कोसेक एक्स सेक एक्स, कोसेक एक्स सेक एक्स, तो इसका रेंज क्या होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन क्लोज से इन्फिनिटी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं आर माइनस माइनस वन से वन, वन एंड द सेम थिंग। अब हम इनवर्स का देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें देखो इसमें दो कैटेगरी में मैंने बांटा था, एक तो वो फंक्शंस जिनके रेंज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसमें क्या क्या आता है साइन इनवर्स, अपना टेन इनवर्स और एक कोसेक इनवर्स, और दूसरा कैटेगरी था जिसमें जिसका आउटपुट क्या आता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें क्या आता है कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। तो मैं इधर लिख लेता हूं, पहले मैंने लिखा साइन इनवर्स, तो इसका रेंज क्या था हमारा माइनस पाई बाई टू क्लोज से पाई बाई टू क्लोज। फिर आता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, इसका रेंज था जीरो क्लोज से पाई क्लोज। फिर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स में क्या बोला था ये रहेगा बस माइनस पाई बाई टू को पाई बाई टू पे ओपन आएगा, तो माइनस पाई बाई टू ओपन से पाई बाई टू ओपन। फिर आता हमारा कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स क्या सेकंड कैटेगरी जीरो टू पाई होगा बट जीरो और पाई पे ओपन आएगा, तो दिस इज जीरो ओपन से पाई ओपन। एंड कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स में क्या बोला था जीरो टू सॉरी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होगा बट जीरो नहीं आएगा, तो इसको कैसे लिखूंगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसमें क्या नहीं आएगा माइनस कर्ली ब्रैकेट जीरो। एंड लास्टली सेक इनवर्स एक्स, इसका क्या आएगा जैसा कॉस का आता है जीरो क्लोज से पाई क्लोज बट इसके बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी विच इज पाई बाई टू, तो माइनस कर्ली ब्रैकेट पाई बाई टू, ये हमने ऑलरेडी देखा था, तो तुम्हें लिखना है ये, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शंस के रेंजेस। अच्छा एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं जो हमें याद है रेंजेस के बारे में, देखना एक्स की पावर टू एम ले लो या फिर एक्स की पावर वन अपॉन टू एम ले लो, ये क्या है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन, तो उसका कर्व क्या बनता था हमारा पैराबोला टाइप। सिमिलरली इसका ग्राफ क्या बनता है हमारा दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या फोर्थ रूट ऑफ एक्स, इसका बनता है ऐसा कुछ ग्राफ। तो इन दोनों का रेंज दिख रहा है कि ये लिखे आ रहा है जीरो क्लोज से इंफिनिटी, तो ये भी लिख लो कॉमनली यूज फंक्शन है, ठीक है ना, स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स सिक्स रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन, इन सब का रेंजेस जीरो क्लोज से इंफिनिटी। अच्छा अब देख लेते हैं हम ये वाला, देखो वन अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन टू एम, अब ये क्या लिखा है वन अपॉन रूट एक्स वन अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स, तो इसमें क्या होगा अपना जीरो नहीं आएगा क्योंकि इसका कर्व कैसा होता है इट इज समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली मैंने लिखा
1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका भी रेंज क्या होता है हमारा, जीरो ओपन से इंफिनिटी ओपन, जीरो नहीं आता है बिकॉज जीरो इस पे जीरो रखने पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और हमारा एक और फंक्शन बचता है इसी में ऑड पावर, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2m प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 एक मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगे, इन दोनों में नेगेटिव नहीं आएंगी, क्लियर है। तो ये हो गया हमने ऑलरेडी जो देखे हुए हैं। अच्छा एक दो फंक्शन और याद आते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, वो और लिख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग इसको कॉपी करो। अब मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका रेंज क्या होता है, इंटीजर्स ही होते हैं सारे इंटीजर्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी इंटीजर्स आएंगे उस वो इसका रेंज हो जाएगा। फिर आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या था, पीरियोडिक था जिसका पीरियड 1 था, और रेंज क्या होता है, जीरो क्लोज से 1 ओपन, 1 कभी नहीं होगा, जीरो होगा, जीरो किसी कब होता है, इंटीजर्स के लिए, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो। तो इसका रेंज क्या था हमारा, जीरो क्लोज से 1 ओपन, इसका ग्राफ भी मैंने याद रखने को बोला है, ठीक है ना। चलो फिर हमारा बचता है एक, चलो सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स इसके रेंज में तीन ही एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या आता है, माइनस 1 0 एंड 1, माइनस 1 0 एंड 1, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें लिखना है तो e की पावर x वगैरह लिख सकते हो, इसका रेंज क्या हो गया, जीरो ओपन से इंफिनिटी, जीरो भी कभी आएगा नहीं क्योंकि माइनस इंफिनिटी होगा, इसका ग्राफ क्या होता है हमारा, इट इज लाइक दिस। तो ln x हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, इनवर्स हो गया, पीरियोडिक फंक्शंस हमने सारे देख ही लिए। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन इतने फंक्शंस कवर किए थे, उसका मैंने तुम्हें एक जगह रेंज लिखवा दिया। अब हम देखते हैं फॉर्मली मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग अपना रेंज। चलो क्या लिखो, टॉपिक लिख लो, मेथड फॉर इवेल्युएटिंग रेंज। ठीक है, मेथड्स बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना, एक एक करके हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे। और अगेन जैसे कि मैंने बोला तुम लोगों को, रेंज जो है वो डोमेन से थोड़ा हार्ड है, ये नहीं बोलूंगा कि टफ है, बट हाँ कंपैरेटिवली डोमेन से हार्ड है। डोमेन तो बहुत आसान होता है, बेसिकली डोमेन को, डोमेन निकालना इज इक्विवेलेंट टू इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, ठीक है ना। बट रेंजेस में जरूर बहुत कैटेगरी होती है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस में हमें डिफरेंट डील करना पड़ता है, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, एक ही मेथड सभी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर, हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है रेंज के ऊपर, मतलब ये समझ लो कि आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा रेंज पे ही डिपेंड है, रेंज में जो भी मेथड देखने वाले आगे जाके भी यूज होगा थ्रू आउट द कैलकुलस। तो मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग रेंज, रेंज ठीक है, इसमें आज हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन, बेसिक मैनिपुलेशन, बेसिक मैनिपुलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें देखो पहला पॉइंट है हमारा देखना कि अगर मान लो कोई मेरा फंक्शन है, लेट्स से एफ एक्स है, और इसका मुझे रेंज दिया है, रेंज क्या दिया, अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा, दिस इज रेंज। तो ना बहुत छोटी सी चीज है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका मुझे रेंज अल्फा से बीटा दे रखा है, और अगर मान लो मैं फंक्शन में कोई कॉन्स्टेंट एड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, लेट्स से एफ एक्स प्लस के, k कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है इसका मतलब ऐड किया, नेगेटिव है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट किया, तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ये लिख लो पहले, k क्या है हमारा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, k अगर कांस्टेंट है, मैंने fx में ऐड किया, तो इस फंक्शन का, दिस इज अ न्यू फंक्शन, लेट्स से gx बोल देता हूं मैं इसको, gx इज fx plus k, where k is my constant, तो इसका ओवरऑल रेंज क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा प्लस के से, अल्फा प्लस के से बीटा प्लस के, समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने, k को हर एक नंबर में ऐड कर दिया बस, क्या होगा बेसिकली, हुआ क्या, ग्राफ k यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर मेरा k पॉजिटिव है, अगर k नेगेटिव है तो k यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अगर लिखना है तो यू कैन मेंशन इट, क्या बोला मैं कि जो ग्राफ है वो k यूनिट्स, लेट्स से k की वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट्स अगर प्लस है इधर तो 2 यूनिट्स ऊपर खिसक जाएगा, और अगर माइनस 2 है तो 2 यूनिट्स नीचे चला जाएगा ग्राफ, और कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा रेंज में ये रिफ्लेक्ट होगा, वो कांस्टेंट हम इधर ऐड कर देंगे रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, क्लियर है बच्चों। अच्छा जैसे कि मैंने लिखा साइन एक्स प्लस 4 का रेंज निकालो, दिस इज माय सम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4, मैंने लिखा फाइंड रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस 4, तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे, हम बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो भी मैंने अभी लिखवाए थे उनकी रेंजेस हमें याद है, तो मैं क्या बोलूंगा कि साइन एक्स, सुनना साइन एक्स का रेंज क्या है, इट इज माइनस 1 से 1, ये मेरा एफ एक्स हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 4 ऐड कर रहा हूँ,
तो साइन एक्स प्लस फोर इसका रेंज क्या हो जाएगा, इधर मैं माइनस वन में भी फोर ऐड करूंगा, इधर वन में भी फोर ऐड करूंगा, तो ओवरऑल मेरा रेंज क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन थ्री एंड फोर प्लस वन फाइव, तो थ्री टू फाइव। बेसिकली क्या हुआ, साइन एक्स का ग्राफ फोर यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया। जैसे अगर मैंने साइन एक्स का ग्राफ देखा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये मेरा प्लस वन है और ये मेरा माइनस वन है। अब क्या होगा, बेसिकली यही ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जो मेरा टॉप वैल्यू है दैट विल बी फाइव एंड द लोएस्ट वैल्यू विल बी थ्री। तो मैं क्या हुआ, फोर यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया, तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट था ये, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट कि हमने अगर कोई कांस्टेंट ऐड किया फंक्शन में तो रेंज में हमारा ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर है। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या करेंगे, हमने ऐड किया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो एक ही चीज हो गई, के अगर नेगेटिव हुआ तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हुआ, अब हम के को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये मेरा कॉमन रहेगा हर एक पॉइंट के लिए, जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, एफ एक्स करेंगे अल्फा से बीटा मैंने माना है, ठीक है। तो दिस नाउ विल बी माय सेकंड, तो इसमें लिख लो बी पार्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एफ एक्स का रेंज अल्फा से बीटा है, देन के इंटू एफ एक्स का रेंज क्या होगा, वेयर माय के इज अगेन अ कांस्टेंट। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो, ठीक है ना, मैं इसको बता रहा हूं क्या होगा इसका रेंज। देखो बहुत से बच्चे लिखेंगे के अल्फा से के बीटा, एंड ऑफकोर्स ये गलत होगा, अगर आज ये होता तो मैं इतना स्ट्रेस देता नहीं इस बात पे, ठीक है ना। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, क्यों रॉन्ग है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा, चलो चलो साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। तो मुझे पता है साइन एक्स का रेंज कितना हो गया, माइनस वन से वन। फिर मैंने लेट से इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, मेरे को बनाना माइनस टू इंटू साइन एक्स। तो देखो माइनस टू इंटू साइन एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस टू इससे मल्टीप्लाई करोगे के से, तो क्या होगा माइनस टू इंटू माइनस वन टू, और माइनस टू इंटू वन इज माइनस टू। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्या, हम तो स्टार्ट छोटे से करते हैं फिर बड़े की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये गलत हो गया ना। अब दिमाग में आ रहा है गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये हमने नेगेटिव नंबर लिया। अगर यही प्लस टू होता तो हम क्या लिखते, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू इंटू वन प्लस टू, तो माइनस टू से टू, तब करेक्ट आता। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर हो गया क्या, कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज के, वो अगर पॉजिटिव है तब तो मेरा के अल्फा से के बीटा हो जाएगा, और अगर के नेगेटिव है तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा, जैसे कि अभी हुआ था माइनस टू से मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है बच्चों। तो क्या लिखूंगा मैं, इसको रब कर देता हूं मैं नीचे वाले पार्ट को। मैंने क्या लिखा कि ये कब ट्रू होगा, व्हेन के इज पॉजिटिव, दिस इज ट्रू व्हेन के इज पॉजिटिव, और के अगर नेगेटिव होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टे से मतलब के बीटा से के अल्फा व्हेन के इज नेगेटिव। तो हमें याद रखना है के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से हमें इधर लिखना है। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब मैटर नहीं कर रहा था हमें के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट मल्टीप्लाई करने पे मैटर करेगा, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू बताया, क्लियर है। एक बार रिकॉल करते क्या बोला मैं, अगर हम किसी नंबर कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से वो कांस्टेंट के है, और तो हम डायरेक्टली उसका रेंज के अल्फा से के बीटा नहीं बोलेंगे, पहले हमें ये देखना है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, करेक्ट है कि के अल्फा से के बीटा रेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, के बीटा से के अल्फा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग वीडियो पॉज करके, मैं चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके ऊपर। उससे पहले जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जो दोनों दोनों हमने देखा ना ए और बी पार्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्लस मल्टीप्लिकेशन वाला, दोनों इसमें लगाते हैं। तो मैंने लिखा मेरा फंक्शन टू साइन एक्स प्लस थ्री है और मुझे इसका रेंज निकालना है। तो अगेन स्टार्ट कैसे करूंगा, बेसिक फंक्शन से विच इज साइन एक्स, तो मैंने लिखा साइन एक्स इसका रेंज इज माइनस वन से वन। देखना मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी चीजें हैं, अभी हम ऐसे पांच छह ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं और फिर हम क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिस एक क्वेश्चन में चारों पांचों एक साथ लग जाए, ठीक है ना, तब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। उससे पहले हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। साइन एक्स का रेंज इज माइनस वन से वन। अब देखो मुझे क्या चाहिए, टू साइन एक्स कर लेता हूं पहले, तो मेरा ये तो मेरा एफ एक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टू एफ एक्स देख रहा हूं, टू एफ एक्स टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो टू साइन एक्स की रेंज क्या होगी। अभी हमने देखा कि टू इज अ पॉजिटिव नंबर, तो क्या होता है अल्फा से बीटा के लिए क्या हो जाता है, के अल्फा से के बीटा, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, टू इंटू वन इज टू, ये टू साइन एक्स का हो गया। अब क्या करूं, अब वो पहला वाला प्लस के ऐड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं टू साइन एक्स प्लस थ्री, तो कॉन्स्टेंट थ्री ऐड किया मैंने इस फंक्शन में, लेट्स से दिस इज माई जी एक्स,
तो gx में मैंने 3 ऐड किया, तो जो gx की रेंज थी उसमें दोनों एलिमेंट्स में क्या हुआ, 3 ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 कॉमा 3 प्लस 2, तो फाइनली रेंज इज 1.5। तो हमारा ओवरऑल इस फंक्शन का रेंज आ गया, रेंज इज 1.5। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट सी पार्ट पे मूव करते हैं। देखो मजा जब आएगा जब हम थोड़ा 3-4 पार्ट, इसके पांचों पार्ट पढ़ लेंगे ना, मैनिपुलेशन के 5 हैं एक्चुअली, तब मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है इसकी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो वीडियो अब पॉज करके तुम लोग कॉपी कर लो इसको। अब तीसरा वाला इंटरेस्टिंग बहुत है, जो तीसरा वाला इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखना क्या है, इसको पहले एग्जांपल लेता हूं, तब हम फाइनली इसके ऊपर कंक्लूड करेंगे कि हम रिजल्ट क्या लिखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट आई विल टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कि मेरा कोई फंक्शन है fx, उसका रेंज है लेट्स से 2 से 3, ठीक है। फिर मैंने बोला 1/fx का रेंज क्या होगा, सो आंसर क्या मिलेगा हमें देखना है ध्यान से, हम जो रेंज के एलिमेंट्स उनको रेसिप्रोकेट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा। अब सोचो जब मैं 2 को उल्टा करूंगा तो क्या होगा 1/2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखू 1/2 से 1/3, तब तो गलत हो गया ना ये, क्योंकि 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो आई शुड से इट इज 1/3 से 1/2। अब करेक्ट है, क्लियर है, चलो। अच्छा, अब मैंने बोला एफ एक्स का रेंज, और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा एग्जाम एफ एक्स का रेंज -3 से -2 है, अब सुनना ध्यान से, तो 1/fx का क्या होगा, तो अगेन अगर मैंने ऐसे लिखा -1/3 से -1/2, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि -1/3 क्या है, बड़ा नंबर है -1/2 से, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है बट ओवरऑल नंबर इज बड़ा -1/3, तो दिस शुड बी -0.5 से -1/3, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हमने क्या किया, एलिमेंट्स को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो दोनों को केसेस से क्या कंक्लूड निकला कि अगर एफ एक्स का रेंज अल्फा से बीटा है तो क्या मैं बोलूं डायरेक्टली कि 1/fx का रेंज 1/β से 1/α होगा, क्या मैंने बोला इन दोनों के आधार पे क्या है ना, इसे 1/fx का जो रेंज होगा इट विल बी 1/β से 1/α। वीडियो पॉज करके पहले सोचो, इन दोनों के हिसाब से तो करेक्ट लिखा है बट एक्चुअली आंसर इज नॉट दिस, ठीक है ना, वो कब ट्रू होगा वो मैं डिस्कस करता हूं। ये ट्रू जब होगा व्हेन अल्फा एंड बीटा बोथ आर ऑफ सेम साइन, जैसे इधर दिख रहा है हमारा अल्फा और बीटा 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव है, गड़बड़ कहां हो जाएगी जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अगर मैंने अल्फा पहले लिखा है और मैं बोल रहा हूँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो चीज मैं लिख लेता हूँ, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, इतने पार्ट को एक्सप्लेनेशन को। अभी मैंने बोला कि ये दिस इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले रहा हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा साइन एक्स का ही ले लो, जैसे मैंने साइन एक्स को ही लिया, तो यू कैन सी ना, देखो साइन एक्स का मैंने लिया, मुझे पता है साइन एक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल, साइन एक्स का रेंज इज -1 से 1, तो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अब साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sin(x) इज नथिंग बट कोसेक एक्स, तो अब तुमने अगर ये लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्या है इसके हिसाब से क्या होगा 1/β 1/1 से -1, विच इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, 1 से -1 तो रेंज नहीं होता, एक तो पहली बात ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लिखा वहीं गड़बड़ हो गई, दूसरी बात ये रेंज होते नहीं, हमें कोसेक एक्स का तो पता है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ होता है, तो इसका मतलब हमें इधर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो चेंजेस क्या है देखना ध्यान से, क्या करूंगा मैंने क्या किया कि देखना ध्यान से, मैंने इसको ऐसे लिख लिया -1 से 0 और इधर लिख लिया यूनियन 0 + 1 इन द सेम थिंग, बस मैंने 0 को एक्चुअली चलो ऐसे लिख लो 0- मान लिया इसको, ठीक है ना, मैंने इसको इस इंटरवल में क्या किया, नेगेटिव इंटरवल अलग किया पॉजिटिव इंटरवल अलग किया, एक मिनट के लिए 0 को छोड़ दिया और 0 आएगा भी नहीं, ठीक है ना, 0 आएगा भी नहीं हमारा, ठीक है ना, चलो अब सुनना, अब क्या किया जो रूल मैंने इधर लगाया ना, अब वो सेपरेटली इंटरवल के लिए लगा देता हूं, क्योंकि इस वाले इंटरवल में अब ये दोनों नंबर नेगेटिव बोथ नेगेटिव और ये क्या है बोथ पॉजिटिव, और ये तो मैंने ट्रू बोला था कब, जब दोनों अल्फा एंड बीटा ऑफ सेम साइन, तो इंडिविजुअली इन दोनों में लगा लो, दोनों का यूनियन ले लो, तो इस इधर क्या लिखूंगा देखना, अब इसमें भी क्या करते थे हम, अल्फा से बीटा होता था 1/β होता था, तो इसके हिसाब से 1/β क्या होगा, इस वाले इंटरवल पे फोकस करो 1/0 - 1/0 से मतलब मेरा मतलब क्या है, 0- से मतलब 0 के जस्ट पहले नंबर, 0 के जस्ट पहले क्या होगा -0.00000 ऐसे
चलते ही चलेगा। तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। तो इस इंटरवल के हिसाब से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन का रेसिप्रोकल, वन अपॉन माइनस वन कितना होगा, माइनस वन। इधर क्लोज आएगा बिकॉज इस माइनस वन पे क्लोज है, यूनियन। अब इस इंटरवल पे आ जाओ, अगर ये अल्फा से बीटा है तो क्या होगा, वन बाय बीटा से वन बाय अल्फा, तो वन अपॉन वन विच इज वन कॉमा। अब ये जीरो प्लस है, जीरो प्लस मतलब क्या होता है, जीरो पॉइंट जीरो 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 एंड वन, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अब हमारा ये करेक्ट आ गया, दिस इज व्हाट, रेंज ऑफ कोसेक एक्स वन अपॉन साइन एक्स। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका रेंज है लेट से माइनस टू से थ्री, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कैसे ब्रेक करूंगा, माइनस टू से जीरो माइनस। देखो लिखने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जीरो माइनस लिखा है ना, ये फिर लिखा जीरो प्लस से थ्री। अब ये भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों भी पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में लगाएंगे तो क्या होगा, ये वन अपॉन जीरो माइनस तो माइनस इन्फिनिटी, और ये वन अपॉन माइनस टू विच इज माइनस हाफ, क्लोज यूनियन। थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय थ्री, क्लोज कॉमा, जीरो प्लस का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा वन बाय एफ एक्स का रेंज। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सबसे सबसे ये सी पार्ट था हमारा, दिस इज अवर सी पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जहां इसे जो पहले पार्ट पढ़े थे वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है इसके अपेक्षा में। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं, अब मैं फॉर्मली डिफाइन कर लेता हूं कैसे लिखूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखना बच्चों, मैं इतने पार्ट को रब कर देता हूं। अब मैं लिख रहा हूं आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखो ओवरऑल लिखते हैं, मैंने बोला एफ एक्स का रेंज मेरा अल्फा से बीटा है, देन वी हैव टू कमेंट ऑन वन अपॉन एफ एक्स, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखें वन अपॉन एफ एक्स क्या होगा हमारा, ये लाई करेगा एक तो वन बाय बीटा से वन बाय अल्फा, वेन अल्फा कॉमा बीटा आर ऑफ सेम साइन, ठीक है। अच्छा अब दूसरा वाला, वेन अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन। तो डेफिनेटली जब मैंने अल्फा से बीटा लिखा है तो अल्फा छोटा है और मुझे पता है अल्फा बीटा में से एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली अल्फा नेगेटिव होगा। तब क्या होगा मेरा, अब देखना जैसे मैंने कैसे ब्रेक किया था, चलो इसको एक्सप्लेनेशन से करते हैं हम। अल्फा से जीरो माइनस यूनियन जीरो प्लस से बीटा। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से वन बाय अल्फा यूनियन वन बाय बीटा से प्लस इंफिनिटी। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये कब लिखेंगे, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक चीज और है, जैसे अल्फा और बीटा सेम साइन के हैं, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं, वीडियो पॉज करके सोचो। ये चीज मैंने एक्चुअली तुम लोगों को क्लास में एक बार डिस्कस की थी, जब दो नंबर पॉजिटिव है, दो नंबर अगर सेम साइन के हैं तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, और इधर लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो। देखो सही आ रहा है कि नहीं, अगर अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है तो क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, अल्फा भी पॉजिटिव हो बीटा भी पॉजिटिव हो, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी अल्फा नेगेटिव हो बीटा नेगेटिव हो, सेकंड पॉसिबिलिटी, एंड बोथ द पॉसिबिलिटीज अल्फा एंड बीटा आर ऑफ सेम साइन। तो इतना बड़ा इंग्लिश स्टेटमेंट लिखने की जगह मैं मैथमेटिकली क्या लिखूं, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो। क्या हुआ, वन अपॉन एफ एक्स का रेंज ये होगा व्हेन अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, और अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन। तो इतना बड़ा इंग्लिश स्टेटमेंट लिखने की जगह मैं मैथमेटिकली इतना छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा कि अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन जीरो। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलो अब हम इसको आधार पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा फाइंड रेंज ऑफ वन अपॉन, चलो एक काम करते हैं, तीनों चीजों को यूज कर लेते हैं, कैसे, थ्री चलो इसको लिख लेता हूं मैं, फाइव साइन एक्स प्लस फोर, ठीक है, वन अपॉन फाइव साइन एक्स प्लस फोर, इसका तुम्हें रेंज निकालना है। तो इसमें क्या होगा, हमारे तीनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाएंगे, देखो प्लस वाला भी, फाइव से मल्टीप्लाई किया वो भी, और उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया वो भी। तो इसको पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे हमारे, ठीक है ना। तो मैं इसको देखता हूं, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, बेसिक फंक्शन से, साइन एक्स से। तो आई विल स्टार्ट विद साइन एक्स, तो साइन एक्स का रेंज इज माइनस वन से वन, फिर मैं लिखूंगा फाइव साइन एक्स,
फाइव साइन एक्स का रेंजेस, फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव पॉजिटिव नंबर है तो के अल्फा से के बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव से फाइव, फिर मैं फोर ऐड कर देता हूं तो फाइव साइन एक्स प्लस फोर, अब मेरा क्या हो जाएगा, फोर ऐड हो जाएगा तो फोर माइनस फाइव विच इज माइनस वन और फोर प्लस फाइव विच इज नाइन, तो मेरा ये आ गया। अब ये क्या है, रेसिप्रोकल है, अगर मान लो मैं इसको एक मिनट के लिए एफ एक्स बोल रहा हूं, अब मुझे निकालना है वन बाय एफ एक्स का, अब रेसिप्रोकल वाला चीज यूज हो जाएगा, तो अगर अल्फा से बीटा होता है एंड अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, तब क्या लिखते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी से वन अपॉन अल्फा, तो माइनस वन अपॉन वन, सॉरी वन अपॉन माइनस वन विच इज माइनस वन क्लोज यूनियन वन बाय बीटा विच इज वन बाय नाइन से इन्फिनिटी, सो दिस इज माई रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो सोचो कितना आसानी से हो गया हमारा, ठीक है ना, काफी आसानी से हो गया, बट हमें याद कौन सा थर्ड स्टेप बहुत क्रिटिकल है, जो थर्ड वाला बताया मैंने रेसिप्रोकल वाला, उसमें अगर दोनों एक एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तब थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट मैनिपुलेशन इसमें, तो उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो एंड डोंट वरी, हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं इन क्वेश्चन का, और नहीं तो मैं होमवर्क भी दे दूंगा तुम लोग। अब देखना फोर्थ पार्ट, अब स्क्वायर से रिलेटेड है, क्या है मेरा पहला स्टेटमेंट तो कॉमन है कि एफ एक्स का रेंज है मेरा अल्फा से बीटा, दिस इज रेंज, किसका रेंज है ये, एफ एक्स का। अब मुझे निकालना है एफ एक्स स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ फंक्शन, तो मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर का रेंज, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे लिखेगा अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, तो ऑफकोर्स गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है। क्या होगा एग्जैक्टली, वीडियो पॉज करके पहले तुम सोचो और हर एक पॉसिबिलिटी लो, जैसे मैंने इससे पहले वाले में कैसे पॉसिबिलिटीज जनरेट हुई हमारी, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लाइक दैट वे यू जस्ट ट्राई ऑन योर ओन, मैं तो अभी डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है, और डिस्कस भी कैसे करूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू करूंगा, सो दैट यू कैन ओनली कंक्लूड कि क्या होगा हमारा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो कैसे करें हम देखना, मैं क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन ले लेता हूँ, लेट्स से एफ एक्स, और जिसका रेंज है लेट्स से टू से फोर, लेट से चलो टू से थ्री ले लिया, तो अगर मैंने एफ एक्स का स्क्वायर देखा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर का रेंज, जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स का ही, चलो साइन पे तो माइनस वन प्लस वन है, मैं ले लेता हूं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लेता हूं, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जीरो क्लोज से वन ओपन। आपको सोचो जब भी मैं स्क्वायर लूंगा इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, हर एक नंबर का आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट का हर एक नंबर का स्क्वायर होगा, तो अगर मेरा जीरो से वन आउटपुट आ रहा है तो इसका आउटपुट हमारे स्क्वायर का फंक्शन का क्या आउटपुट क्या आएगा, जीरो स्क्वायर से वन स्क्वायर, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट, टू स्क्वायर से थ्री स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब फोर से नाइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक मिनट के लिए मैंने ये लिखा तो वो तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने लिखा था अभी, बट ये मैंने बोला तुम लोगों को गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है अब समझ में आएगा। लेट से मैंने एफ एक्स का रेंज तुम्हें लिया माइनस थ्री से माइनस टू, अब तुम करो एफ एक्स का स्क्वायर, अगर तुमने लिखा जैसे अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन से फोर, तो दिख रहा है गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ा नंबर आ गया इधर, हम तो छोटा लिखते हैं इधर, तो इन दोनों से कुछ कंक्लूजन निकला, क्या निकला अभी तक इन दोनों से कंक्लूजन कि अल्फा और बीटा अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो मेरा एफ एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा, अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, पहली बात। अच्छा उसके बाद अगर एफ एक्स दोनों नेगेटिव है अल्फा बीटा तब मेरा उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्यों हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा है तो, बट मेरा रेंज क्या होगा, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, क्योंकि माइनस थ्री छोटा होता है बट उसका स्क्वायर करने पे वो टू माइनस टू के स्क्वायर से बड़ा हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स माइनस थ्री क्या है वैल्यू वाइज छोटा है बट मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ा है ना, तो स्क्वायर लूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा ये तो कोई एक चीज, अब खुद सोचो, चलो ये तो मैंने एक चीज करी, अब एक ले लेते हैं अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक मिनट, सबसे बेस्ट एग्जांपल साइन एक्स को लिया, तो साइन एक्स का रेंज है मेरा माइनस वन से वन, अब खुद सोचो अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स का देखा रेंज तो क्या आएगा, अगर तुमने यही वाला फंडा लगाया अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर या फिर बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन, तो वन से वन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो अब हमारा एक और तीसरी थियरी डेवलप हो गई कि देखो अल्फा और बीटा अगर अपोजिट साइन के हुए तो ये भी ट्रू नहीं होगा, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर भी ट्रू नहीं होगा, फिर ट्रू क्या होगा, अब खुद सोचो कि उसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, पहले इसको रब कर देता हूं, तो लेट मी रब दिस पार्ट, पहले मैं इतना कंक्लूड कर लेता हूं अभी तक जो हमने लिखा उसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के, उसके लिए दो मिनट बाद कंक्लूड करते हैं। मैंने बोला
एफ एक्स स्क्वायर का रेंज अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर होगा कब, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा बोथ ग्रेटर देन जीरो। मैं सेम साइन नहीं लगा रहा हूँ, इससे पहले वाले में तो सेम साइन लगाया था बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, नेगेटिव के लिए भी सेम अप्लाई हो रहा था, बट इधर अगर अल्फा बीटा दोनों सेम साइन के हैं बट अगर नेगेटिव है तब मेरा रेंज क्या हो रहा है, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब मैंने बोला, अब देखो जैसे मान लो कोई मेरा फंक्शन है वो ऐसे है, लेट से मैंने ऐसे लिखा विच इज लेट से माइनस टू और थ्री, दिस इज माई एफ एक्स। आप खुद सोचो, एक सिनेरियो मैंने ये लिया और एक मैंने इसका ये सिनेरियो लिया, लेट से ये हो गया मेरा माइनस थ्री और ये टू है। अब समझ में आएगा मैं ऐसे एग्जांपल क्यों ले रहा हूं। देखो एफ एक्स रेंज मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसमें मेरा वाई की वैल्यूज क्या, माइनस टू से थ्री, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर वाला जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो से तो स्टार्ट होगा, वो बात करेक्ट है। जाएगा कहां तक, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी माइनस टू और थ्री में, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसके स्क्वायर तक। जैसे माइनस टू का कोई फंक्शन, कोई किसी एक्स पे जो फंक्शन है वो माइनस टू वैल्यू ले रहा है, बट हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फोर हो जाएगा, बट कोई एक्स पे वैल्यू थ्री ले रहा है तो रेंज वो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब एफ एक्स स्क्वायर की, जब एफ एक्स की वैल्यू थ्री है क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन है, तो इसका मतलब एफ एक्स स्क्वायर का रेंज क्या हो गया, इसका स्क्वायर तक रेंज, जीरो से थ्री का स्क्वायर। क्लियर है? अब इधर आते हैं, इस वाले में भी जब मैं एफ एक्स का रेंज तो माइनस थ्री से टू लिखा, अब मैं स्क्वायर फंक्शन पे आता हूं, अगेन स्क्वायर फंक्शन इज ए नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, पहली बात। अब वो जाएगा कहां तक, अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखो फंक्शन जो है वो मेरा टू वैल्यू ले रहा है किसी एक्स पे, लेट से एक्स वन पे, तो उस एक्स वन पे स्क्वायर वाला फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर। अच्छा, अब मेरा फंक्शन जो है माइनस थ्री वैल्यू ले रहा है लेट से किसी एक्स पे, एक्स टू पे, तो उस एक्स टू पे एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर विच इज नाइन, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई एफ एक्स स्क्वायर की, नाइन, तो रेंज क्या हो गया, जीरो टू नाइन। तो इधर भी जीरो टू नाइन आ रहा है, इधर भी जीरो टू नाइन आ रहा है। अब कंक्लूड करते हैं, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। एक तो पहली बात जीरो होगा पहला एलिमेंट, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, या तो अल्फा स्क्वायर आएगा या बीटा स्क्वायर आएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा कि अल्फा स्क्वायर बड़ा है या बीटा स्क्वायर बड़ा है। इधर क्या हो रहा है हमारा, जैसे इधर लिखा मैंने माइनस टू से थ्री, तो इधर मेरा क्या है, अल्फा बीटा स्क्वायर बड़ा है ना, तो इसके हिसाब से बीटा स्क्वायर आया। इधर मेरा क्या बड़ा है, दिस इज माय माइनस थ्री से टू, इधर मेरा अल्फा स्क्वायर बड़ा है, माइनस थ्री का स्क्वायर बड़ा है, तो क्या लिखूं मैं, जीरो टू अल्फा स्क्वायर, कब, व्हेन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। और इसको लिख लेना तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को जो मैंने भी डायग्राम बनाया था। और लास्टली जीरो टू बीटा स्क्वायर इफ बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर, जो भी बड़ा होगा जिसका भी स्क्वायर वो हम लेंगे, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखते से हम क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट जीरो लिखेंगे कि भाई अगर किसी फंक्शन का रेंज लेट से माइनस थ्री से फाइव है तो पक्का जीरो से स्टार्ट होगा स्क्वायर, इसको स्क्वायर का रेंज, और जाएगा कहां तक, फाइव के स्क्वायर तक, क्योंकि माइनस थ्री से फाइव है तो माइनस थ्री का स्क्वायर बड़ा है कि फाइव का स्क्वायर बड़ा है, फाइव का, तो विच इज, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो से ट्वेंटी फाइव। जैसे मैंने लिखा कोई मेरा फंक्शन है एफ एक्स, चलो जैसे मैंने इसका रेंज लिखा इट इज लेट से माइनस नाइन से एटीन, तो मेरा एफ एक्स जो स्क्वायर होगा ना उसका रेंज क्या हो जाएगा, पहले तो जीरो आएगा ही आएगा बिकॉज में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यही वाला सिनेरियो हो रहा है, कौन सा आएगा, दोनों में से किसका स्क्वायर बड़ा है, ऑफकोर्स 18 का, तो 18 का स्क्वायर, दिस इज माय रेंज। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, काफी स्ट्रेस दिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट इसमें स्क्वायर रूट के ऊपर, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। फिफ्थ वन, ठीक है ना, अब हमने लिखा है वही एफ एक्स का रेंज मेरा क्या है, अल्फा से बीटा, चुनना। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं रूट एफ एक्स, मैंने बोला रूट एफ एक्स का रेंज, ठीक है, रूट एफ एक्स का रेंज। अच्छा तो इसको मैं कैसे लिखूं, देखो अगर अल्फा अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, अच्छा एक चीज और, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव है तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, नेगेटिव फंक्शन है, मतलब वो पॉजिटिव तो आउटपुट दे ही नहीं रहा है, तो उसका रूट तो डिफाइन ही होगा,
तो देखो अल्फा और बीटा दोनों इस केस में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने लिखा कोई फंक्शन है fx, जिसका रेंज है लेट से -3 से -2, तो इसका रूट fx तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये फंक्शन ही हमेशा नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो उसका रूट तो डिफाइन ही नहीं होगा पहली बात। तो मेरा कौन कौन सा सिनेरियो बचा, दोनों पॉजिटिव एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला, दो केसेस बचे। क्या बचे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में भी एक ही ऑप्शन है कि अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं अल्फा से बीटा, क्योंकि मुझे छोटा एलिमेंट पहले लिखना होता है। तो अल्फा इज नेगेटिव बीटा इज पॉजिटिव, तो एक तो वो केस हुआ, एक अल्फा एंड बीटा बोथ पॉजिटिव हुए। तो जब अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, लेट से मैंने लिखा 2 से 3, तो सिंपली रूट एफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, √2 से √3। कोई कुछ ज्यादा काम नहीं करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, इसका रेंज हो जाएगा रूट अल्फा से रूट बीटा। ठीक है, व्हेन क्या लिखूंगा मैं, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है तब ऐसा होगा। अगर अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है, अगर अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हैं, एंड ऑफ कोर्स उस केस में क्या होगा, अल्फा नेगेटिव होगा। तो कुछ सोचो कि अगर मेरा कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसकी रेंज लेट से -1 से 1, चलो मैं साइन एक्स ही ले लेता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल साइन एक्स, तो खुद सोचो रूट साइन एक्स का क्या होगा। सेम, जब साइन एक्स -1 to 0 है तब उसका कुछ आउटपुट आएगा, नहीं तब तो नहीं आएगा, क्योंकि तब नेगेटिव का रूट तो डिफाइन नहीं होगा। तो जी डिफाइन ही कब होगा, जब साइन एक्स पॉजिटिव है, तो साइन एक्स जब पॉजिटिव है मतलब साइन एक्स का रेंज 0 to 1 है, और 0 to 1 के लिए रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं, 0 से √1 विच इज 0 से 1। तो इसके आधार पर मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से √बीटा। कब, व्हेन अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख लो, व्हेन अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव। देखो इधर तो अल्फा कॉमा बीटा पॉजिटिव लिखा है, दोनों पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई नहीं, इधर नेगेटिव लिख दिया, इसका बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं, और सिंस दे आर ऑफ अपोजिट साइन, और इधर मैंने अल्फा पहले लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मींस कि अल्फा इज नेगेटिव बीटा इज पॉजिटिव। ये तो ब्रैकेट में इधर लिख लो, इसका अकेले का मतलब, इतने अकेले का मतलब तो क्या होता है, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, या फिर अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, बट इसके साथ साथ अगर मैंने ये लिख दिया देन इट मींस कि अल्फा इज नेगेटिव बीटा इज पॉजिटिव। क्लियर है, चलो तो ये हो गया थ्योरी पार्ट, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पांचों स्टेटमेंट एक पेज पे लिख लेते हैं, एक पेज पे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ पांचों पार्ट, ठीक है ना, ये भी तुम्हें एक पेज पे लिखना है, ठीक है। चलो तो हमारा क्या है, एफ एक्स का रेंज दिया था विच इज अल्फा से बीटा, मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन हमारा था एफ एक्स प्लस के, दिस विल बी, इसका रेंज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस के से एक जगह लिख लोगे तो हमें रिवीजन के टाइम आसानी होगी, रिकॉल करने में भी आसानी होगी। सेकंड मैनिपुलेशन के इनटू एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, अब दो चीजें हैं, एक तो हो जाएगा के अल्फा से के बीटा व्हेन के इज पॉजिटिव, और ये हो जाएगा के बीटा से के अल्फा व्हेन के इज नेगेटिव। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1/fx, देखो क्या होगा ये, दिस विल बी 1/बीटा से 1/अल्फा, कब होगा, व्हेन अल्फा इनटू बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा बीटा आर ऑफ सेम साइन, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अदरवाइज इट इज कैसे करते थे, -∞ से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से ∞, कब, व्हेन अल्फा इनटू बीटा इज नेगेटिव, दैट मींस अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन। फिर हमारा आता था फोर्थ वन, एफ एक्स का स्क्वायर, इसमें चार चीजें थी, क्या थी, एक तो अल्फा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर, कब, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन 0, दोनों नेगेटिव है। फिर होगा हमारा 0 से अल्फा स्क्वायर या फिर 0 से बीटा स्क्वायर, कब कब होगा, ये होगा व्हेन अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर, जो भी बड़ा होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में, और ये बीटा स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब बीटा स्क्वायर बड़ा है। और लास्टली हमारा फिफ्थ वन, रूट एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये इसका क्या लिखे हम, रूट अल्फा से रूट बीटा, कब, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है, और अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं दैट मींस अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, तब हमारा रूट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 से √बीटा, ये कब होगा, व्हेन अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मेथड वन के करस्पॉन्डिंग थ्योरी। अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है हमें, ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस थ्री, और मुझे इसका क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको एक बार खुद से ट्राई करो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखना क्या लिखा हमने। देखो ये जो मेथड है ना, जो मैंने अभी बताया बेसिक मैनिपुलेशन, इस पे हमारा टारगेट क्या होगा, हमारी थीम क्या होगी, मतलब हमें कैसे मतलब अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो सुनो। देखो क्या होगा हमारा, जो वेरिएबिलिटी है क्वेश्चन में, वेरिएबल पार्ट विच इज साइन एक्स हियर, वो बहुत सारी जगह दिया है। आई वॉन्ट कि वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाए, क्या हो जाए, जो वेरिएबल पार्ट है वो एक जगह आ जाए, सो दैट हम फिर वो बेसिक मैनिपुलेशन से स्टार्ट करें, वो एक पार्ट जो हमारा एक जगह आ गया है उस फंक्शन को बेसिक फंक्शन मानते हुए करें। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो माय टारगेट इज कि ऐसे लिख लो तुम नोट करके, जो भी अबव मेथड में हमारा टारगेट क्या है, कि जो वेरिएबिलिटी है दैट शुड बी एट मिनिमम प्लेस, कम से कम जगह आना चाहिए। देखो अभी दो जगह है, आई वॉन्ट कि ये कम जगह आ जाए, तो मैं क्या करूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। तो आई विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखना इन दोनों की मदद से मैं क्या लिखूँ परफेक्ट स्क्वायर। देखो साइन एक्स प्लस, ये टू साइन एक्स है तो इसकी जगह मैंने लिखा वन इसका स्क्वायर। इतना लिखने पे मेरे ये दो पार्ट कवर होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस वन एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस वन और प्लस थ्री पहले से दिया है, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या बना, साइन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू। बहुत सिंपल हो गया हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैनिपुलेशन से। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक फंक्शन दैट इज साइन एक्स से। तो मेरा लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, चलो एफ एक्स नहीं ऑफ एक्स ऑलरेडी यूज हुआ है, तो लेट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन एक्स का रेंज इज माइनस वन से वन, फिर मुझे प्लस वन चाहिए तो मैंने दोनों साइड वन ऐड किया, तो साइन एक्स प्लस वन का रेंज क्या हो जाएगा, के ऐड करते हैं तो इधर भी के ऐड होता है, तो वन माइनस वन जीरो कॉमा वन प्लस वन विच इज टू। अब मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है हमारा, फिर हम वाले रूल पे आते हैं कि दोनों पॉजिटिव होते हैं दोनों नेगेटिव होते हैं वो चीज़ पे। तो एयर जीरो एंड टू, जीरो और टू आ रहा है तो इसको मैं जीरो प्लस बोल रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वन का स्क्वायर का रेंज क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा जीरो से फोर, बेसिक मैनिपुलेशन। अब मैं क्या करूँ, अब इसमें टू ऐड करना है, तो साइन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, टू ऐड हो जाएगा तो टू से सिक्स, हैंस दिस इज माई आंसर। तो सोचो कितने आसानी से आंसर आ गया हमारा, बस हमें वो पांचों स्टेप अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में आया, वो पांचों स्टेप, पांचों जो मैंने लिखवाया रूल्स, दैट शुड बी ऑन टिस, और रटना नहीं है, समझ के याद रखना है हमें, ठीक है ना। चलो अब मैं इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा इससे अलग रहेंगे। अब सुनना क्या लिखा मैंने क्वेश्चन, तो लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस थ्री, लेट्स से मैंने ये लिखा, तो अगेन आई विल मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो इन दोनों में से पहले मैंने क्या लिया, फोर कॉमन ले लिया, फिर ये लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और ये मेरा प्लस थ्री बाहर है, ठीक है। अब इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसके लिए फोर तो ये बाहर लिखा है, साइन एक्स प्लस इसके हाफ मतलब वन बाय टू का स्क्वायर, देखना करेक्ट है, क्या लिखा है साइन एक्स प्लस वन बाय टू, इसके स्क्वायर से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू हाफ वन इंटू साइन एक्स प्लस हाफ स्क्वायर, मतलब प्लस वन बाय फोर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस वन बाय फोर प्लस थ्री। तो जो चीज़ ऊपर लिखी वही ये चीज़ लिखी, मैं कर के आ रहा हूँ बेसिकली, अगेन याद रखना वेरिएबिलिटी को एक जगह लेके आ रहा हूँ, इधर वेरिएबिलिटी मेरी दो जगह थी ना। चलो अब इसको देखते हैं, तो इसको मैंने आगे लिख दिया फोर टाइम्स साइन एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, ये फोर इंटू माइनस हाफ विच इज माइनस वन बाय फोर विच इज माइनस वन और प्लस थ्री तो विच इज टू। अब मेरा आ गया ये फंक्शन, अब हम करेंगे बेसिक साइन एक्स से स्टार्ट। तो मैं क्या लिखूंगा साइन एक्स का रेंज, तो साइन एक्स का रेंज इज माइनस वन से वन, फिर मैं लिखूंगा प्लस हाफ चाहिए तो साइन एक्स प्लस हाफ का रेंज, तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस हाफ विच इज माइनस हाफ कॉमा हाफ प्लस वन विच इज थ्री बाई टू, क्लियर है। अब मुझे इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर में देखना क्या करते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता था, तो जीरो से होता था अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर, डिपेंड करता है अल्फा स्क्वायर बड़ा है या बीटा स्क्वायर बड़ा है, तो इधर थ्री बाई टू का स्क्वायर बड़ा होगा, तो मैंने बोला इसका स्क्वायर साइन एक्स प्लस हाफ, इसके स्क्वायर का रेंज क्या होगा जीरो क्लोज से नाइन बाय फोर, क्लियर है, थ्री बाई टू का स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
अब मैं क्या करूँ, फोर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर टाइम्स साइन एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर इंटू जीरो जीरो, फोर इज पॉजिटिव नंबर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे के अल्फा से के बीटा, ये हो जाएगा जीरो टू नाइन। अब लास्टली टू और ऐड करना है, तो दिस प्लस टू विच इज अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसका रेंज क्या हो जाएगा, टू ऐड करेंगे तो जीरो प्लस टू टू, नाइन प्लस टू इज इलेवन, हेंस दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ क्या करना है हमें, हमें क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी को एक जगह ला के रखना है, ठीक है। चलो अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, खुद से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना, और वेरीफाई करो खुद से, कोई बुक उठा लो उसके ऊपर को, जैसे मैंने एक एग्जांपल, चलो मैं लिखता हूँ और एग्जांपल, मैंने लिखा ए की पावर एक्स, चलो इसको ऐसे लिख लो, ए की पावर टू ई की पावर एक्स माइनस थ्री, और इसका भी रेसिप्रोकल, चलो हमने खुद से क्वेश्चन बनाया अभी, ठीक है, टू ई की वन अपॉन टू ई की पावर एक्स माइनस थ्री। तो अब स्टार्ट करते हैं, बेसिक फंक्शन कह लेंगे ई की पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का रेंज याद होना चाहिए, ग्राफ क्या होता है हमारा रेंज, आज लिखवाया भी था, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो ओपन से इन्फिनिटी होता है, फिर टू चाहिए तो टू ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, केस पॉजिटिव तो टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो टू ई की पावर एक्स का भी रेंज यही होगा, माइनस थ्री तो टू ई की पावर माइनस एक्स थ्री, तो के सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस थ्री इन्फिनिटी माइनस थ्री विच विल बी इन्फिनिटी ओनली, तो इसका रेंज ये आ गया। अब क्या करें, अब हम इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, तो सुनना रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, तो अगेन आई विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस टू ई की पावर एक्स माइनस, सॉरी दिस इज ई की पावर एक्स माइनस थ्री, तो क्या किया, पहले इसको मैंने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक करूँ, माइनस, अच्छा चलो इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाएगा, जीरो टू नहीं, जीरो टू, अब देखना इसको मैं पहले ब्रेक कर लेता हूँ, माइनस थ्री से जीरो माइनस यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, जीरो प्लस से इन्फिनिटी, अब देखना इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या आएगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बाय थ्री यूनियन, और इसका आ जाएगा इन्फिनिटी का अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो माइनस इज इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों, सो दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, बहुत सिंपल है, सिंपल जब होगा जब हमें पूरे के पूरे याद होंगे पाँचों के पाँचों मैनिपुलेशन, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब मैंने लिखा लेट्स से, चलो एक क्वाड्रेटिक के ऊपर ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, चलो ये ले लेते हैं क्या, चलो एक कम करते हैं इसको, थोड़ा सा अलग करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक आगे भी आएगा, इसको टू इसको थ्री कर लिया लेट्स से, चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, और दिमाग में क्या रखना है तुम लोगों को, वेरिएबिलिटी कम से कम जगह लाना है, ठीक है, ये थॉट रख के तुम इसको प्रोसीड करो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी। तो क्या करूँ मैं, नीचे ये ऊपर भी यही बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ऊपर क्या लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये मेरा सेपरेट कर दिया अप टर्म, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो वेरिएबिलिटी कम जगह आ गया, इधर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह था, इधर इधर है अकेला। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब कैसे स्टार्ट करें, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक से, किससे स्टार्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट से, देखना इससे मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ये बहुत जगह आ चुका है हमारा, ठीक है ना, इसका वैसे तो मैं याद भी होना चाहिए रेंज, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली अकरेंगे, और वैसे हमें क्या होता है वर्टेक्स पता है हमें, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, तो एक तरीका तो क्या है, इसका वर्टेक्स इज माइनस बी बाई टू है, तो उस वर्टेक्स पे एक्स इजिकल टू माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन बाय फोर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस वन थ्री बाय फोर, तो इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, माइनस हाफ पे वैल्यू इज थ्री बाय फोर, वाई इंटरसेप्ट इज वन, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू थ्री बाय फोर आई, थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज इज थ्री बाय फोर क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, ठीक है। अब क्या करें हम, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो देखना इसका रेसिप्रोकल वन, ये एफ एक्स है तो वन अपॉन एफ एक्स प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इज जीरो और थ्री बाय फोर का इज फोर बाय थ्री क्लोज। अब क्या करूं, टू भी चाहिए मुझे, तो टू से मल्टीप्लाई किया, के से मल्टीप्लाई किया, तो टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका रेंज क्या हो जाएगा, टू ऐड हो जाएगा, तो ये ओपन ओपन है,
तो 0 प्लस 2 इज 2, 4 बाय 3 प्लस 2 तो 6 प्लस 4 10 बाय 3, 10 बाय 3। अब क्या करूँ, फाइनली 1 और ऐड कर देता हूँ, तो जो मेरा फंक्शन था 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज क्या हो गया 2 प्लस 1 3, 10 बाय 3 प्लस 1 तो 10 प्लस 3 13 बाय 3, दैट्स इट, ये हमारा हो गया इस फंक्शन का रेंज। तो कुछ कंक्लूजन मिला तुम्हें कि हमें क्या करना है, वेरिएबिलिटी को कम से कम जगह लेके आना है, क्यों, सो दैट हम उस वेरिएबिलिटी से स्टार्ट करें, वो वेरिएबिलिटी का हमें बेसिक नॉलेज से हम उस वेरिएबिलिटी की तो डायरेक्टली रेंज लिख देंगे, फिर मैनिपुलेशन लग करते करते हम फाइनल फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। चलो अब मैं और एग्जांपल देख लेता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इसको। अब मैं लेता हूं, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, लेट्स से ये लिया मैंने, ठीक है, वीडियो पॉज करो, तुम लोग ट्राई करो, मैं इसको करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था, आई वांट वेरिएबिलिटीज टू बी एट द मिनिमम प्लेस, वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, तो वो कम से कम जगह चाहिए, तो मैं न्यूमरेटर में यही चीज़ बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने जबरदस्ती क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया न्यूमरेटर में, क्या एक्स्ट्रा लिखा हो गया, इधर 3 चाहिए था तो 7 आ गया, तो माइनस 4 कर देता हूँ, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, वो और ये इक्विवेलेंट है दोनों, 7 माइनस 4 इज 3। अब मैं क्या करूँ, सेपरेट कर देता हूँ, तो 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर है, तो अब हमारी वेरिएबिलिटी कम से कम जगह आ गई। अब देखना मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, पैराबोला होता है लाइक दिस वे, 0 क्लोज से इन्फिनिटी, तो इसका रेंज है 0 क्लोज से इन्फिनिटी। फिर मुझे चाहिए प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का रेंज क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7 मतलब 7 से इन्फिनिटी प्लस 7 इज इन्फिनिटी। फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इज 0 और 7 का रेसिप्रोकल इज 1 बाय 7, क्लोज। फिर अब देखना, अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो के बीटा से के अल्फा हो जाता है, अगर अल्फा से बीटा है, इफ के इज नेगेटिव देन आउटपुट विल रेंज क्या होगा, के बीटा से के अल्फा, तो माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, हमारा के इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 4, तो माइनस 4 बाय 7 से माइनस 4 इंटू 0 विच इज 0। लास्ट स्टेप, अब 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड किया, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्या किया 1 ऐड किया, तो 1 माइनस 4 बाय 7, तो 7 माइनस 4 3 बाय 7 से 0 प्लस 1 इज 1, तो ये हो गया हमारा फाइनली रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। अब हम एक आध एग्जांपल और लिख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, बस दिमाग में यही रखना, मैं बहुत बार वैसे बोल चुका हूँ, अगेन एक बार और बोल देता हूँ कि वेरिएबिलिटी को कम से कम जगह रखना, हमारा टारगेट है वेरिएबिलिटी को कम से कम जगह लेके आने का है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे लिखा 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, थोड़ा सा लग देते हैं, प्लस लेट्स से 4, खुद से ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करो, ट्राई ऑन योर ओन और मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। देखो अब पहली बात, देखो इससे पहले पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक का लिया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी, बट उधर दोनों कॉस थे या दोनों साइन थे, बट इधर क्या है, एक साइन और एक कॉस है, तो मेरा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा कि देखो वैसे भी हमारा टारगेट क्या है कि वेरिएबिलिटी कम से कम जगह लाना है, और वो वेरिएबिलिटी भी तो सेम होनी चाहिए, जैसे इधर एक साइन एक्स, इधर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स तो अलग अलग चीज़ें, तो क्या करूँ मैं, या तो सभी कुछ कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लूँ या सभी कुछ साइन एक्स में, तो वो क्या करूँ, डैट डिपेंड्स कि इधर क्या है, सिंस इधर कॉस स्क्वायर एक्स है तो बेटर क्या होगा, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन कॉस एक्स में आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर साइन एक्स को तुम लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 अंडर रूट आ जाएगा, तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इस साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है मेरा टारगेट, आई वॉन्ट सिंगल वेरिएबिलिटी, तो उसके लिए मैंने लिखा 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4, अब इसको ओपन किया तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस 2 साइन एक्स और ये 3 प्लस 4 7, ये हो गया मेरा, अब तो पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, भले नेगेटिव साइन है उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई क्रिएट नहीं होगा दिक्कत, तो क्या करूँ मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, काम करता हूँ माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो लेट मी टेक माइनस 3 कॉमन, तो मैंने ये ले लिया साइन स्क्वायर एक्स
प्लस 2/3 साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस 7/3। ठीक है, मतलब इसको अगर देखो वीडियो पॉज करके तुम लोग एक बार ट्राई करो अगर अभी भी समझ आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी तो होगी और मतलब इस पर्टिकुलर मेथड पे ये अच्छा क्वेश्चन है ऐसे बोल सकता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि फिगर्स जो है ना टर्म्स है वो 2/3 फ्रैक्शन टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम इस पर एक बार देख लेते हैं, करेक्ट लिखा है -3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और +7/+7 हो गया, करेक्ट है। चलो अब क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये मेरा -3 तो लिखा ही हुआ है इधर, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ -3 को, इन दोनों की मदद से परफेक्ट स्क्वायर। इसका हाफ लेते हैं हम, तो साइन एक्स प्लस इसका हाफ क्या होगा 1/3, 2/3 का हाफ इज 1/3 इसका स्क्वायर। ऐसा लिखने पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 2ab से आ जाएगा 2/3 इंटू साइन एक्स, बट इधर से क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा +1/9, तो मैंने क्या लिखा -1/9 और प्लस -7/3 तो उधर है ही, तो इधर भी एलसीएम लेके एक काम करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या बना, -3 टाइम्स साइन एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस, अब देखना इधर क्या आ रहा है, 7 × 3 = 21 प्लस 1 22, तो -22/9। अब मेरा वेरिएबिलिटी एक जगह आ गया, अब तो बिल्कुल बेसिक हो गया, कैसे स्टार्ट करें साइन एक्स से, तो स्टार्ट करते हैं। चलो साइन एक्स का रेंजेस -1 से 1, फिर मैंने साइन एक्स में 1/3 ऐड किया, k ऐड किया तो क्या हो जाएगा, k हर एक जगह ऐड हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1 तो -2/3 कॉमा 1 + 1/3 4/3। अब मैं इसके स्क्वायर पे आ रहा हूँ, तो साइन एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर, तो रेंज क्या हो जाएगा, अब देखो स्क्वायर में क्या होता था, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो 0 से स्टार्ट होता था, ये तो फिक्स है, कहाँ तक जाता था जिसका भी मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है ना, या फिर ऐसे बोलता जिसका भी स्क्वायर बड़ा है, तो ऑफकोर्स 4/3 का स्क्वायर बड़ा होगा विच इज 16/9, ये आ गया मेरा। अब मैं -22/9, तो इसी में मैं इधर लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस 1/3 -22/9 इसका स्क्वायर -9, इसका रेंज क्या हो जाएगा, अब मैं इसी में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ -22/9 इन दोनों में, एक मिनट करेक्ट लिखा है क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हो जाएगा मेरा, देखना ध्यान से, 0 - 22/9 इज -22/9 कॉमा 16/9 -22/9, तो 22 में से 16 गए 4 और 2 6 -6/9 विच इज -2/3, एक बार देख लेता हूँ, 16 - 22 - 6 तो -2/3 परफेक्ट है। अब क्या करें, फाइनली लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो k से मल्टीप्लाई करना है, k नेगेटिव है तो k अल्फा से बीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, k बीटा से k अल्फा, तो फाइनल लास्ट स्टेप मतलब मैं यही लिख रहा हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने इधर लिख दिया और इसका रेंज मैं लिख रहा हूँ क्या, देखो k इससे पहले मल्टीप्लाई, k बीटा तो -3 इंटू दिस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 कॉमा, अब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +22 और वो 3 कैंसिल हो गया इस 9 से 3 टाइम्स, तो 22/3, सो दिस इज माय फाइनल आंसर, 2 से 22/3 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है बच्चों, तो मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में, आई होप एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे रेंज में ही, अलग मेथड देखेंगे, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।